to express their imagination and observation they are expected to hold crayon color pencils paint brushes correctly so aaj hamare bacche kya karne wale ki paint और आर्ट से रिलेटेड कुछ काम करेंगे जिसमें वो अपनी क्रिएटिविटी दिखाएंगे वो डिफरेंट किस्म के मटेरियल्स को एक्सप्लोर करेंगे और किस तरह से वो अपने आर्ट वर्क में उन्हें यूज़ कर सकते हैं आज वो ये सीखने वाले हैं इसके अलावा आपके लिए ज़रूरी मैसेज ये है कि नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपकी हेल्प के लिए पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन लेसन प्लान वर्कशीट्स और डिफरेंट एक्टिविटीज़ मौजूद हैं अगर आप चाहें तो उनसे हेल्प हासिल कर सकती हैं तो आइए बच्चों आज का पेज जो हम करने वाले हैं वो बहुत ही एक राइटिंग है जिस पर आज दो बच्चों की पिक्चर बनी है एक है लड़की और एक है लड़का सो so, आप अपना जेंडर देखिए कि आप लड़की हैं या लड़का आपको उसी के लिए आर्ट वर्क करना है सो लेट्स स्टार्ट टुडेस एक्साइटमेंट लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आज जो हम आर्ट वर्क करेंगे उसके बाद हमारी राइटिंग स्किल्स अच्छी होने वाली हैं वो इस तरह से कि आज जब हम क्रयॉन कलर पेंसिल्स या पेंट ब्रशेस पकड़ेंगे उससे हमारे हाथों की ग्रिप इतनी अच्छी हो जाएगी कि वो हमें राइटिंग करने में बहुत अच्छा फ्लो देगी सो so, आइए करते हैं आपकी से। आप अगर स्क्रीन पे देखें और अपनी बुक पर देखें तो एक गर्ल और एक बॉय की पिक्चर बनी है सो इफ यू आर अ बॉय सो चूज अ बॉय इफ आर अ गर्ल चूज अ गर्ल फॉर द आर्ट वर्क मैंने चूंकि मैं एक लड़की हूं आई चोजन गर्ल पार्ट लुक एट दिस हैलरेडी मेड हेयर और मैंने फेस में कलर किया है स्किन कलर आइए आज हम आर्टवर्क स्टार्ट करते हैं बट उससे पहले कि हम आर्टवर्क स्टार्ट करें लेटमी टेल यू वन थिंग हाउ टू होल्ड ब्रश आप जब पेंट ब्रश को होल्ड करते हैं तो उसे बिल्कुल उसी तरह होल्ड कीजिए जैसे आप पेंसिल होल्ड करते हैं लेकिन पेंसिल को आप बिल्कुल एज से पकड़ते हैं पेंट ब्रश को एज से मत पकड़िए उसे थोड़ा सा ऊपर से पकड़िए ताकि आपके हाथ खराब ना हो और इसे बिल्कुल इस तरह जिस तरह आप पेंसिल को पकड़ते हैं उसी तरह पकड़िए तो आइए आज हम आर्ट वर्क स्टार्ट करते हैं बट उसके लिए हमें किन किन चीजों की जरूरत है बहुत सारे पेंट ब्रशेस। अगर आपको एक से ज्यादा कलर्स पेंट करने हैं तो बहुत सारे ब्रशेस। अगर आपको एक कलर चाहिए तो सिर्फ एक पेंट ब्रश भी काफी है इसके अलावा आपको एप्रन की जरूरत पड़ेगी ताकि आपके कपड़े खराब ना हो और फिर ये है हमारे पास एक गर्ल और एक बॉय सो यू गर्ल्स एंड बॉयज आप अपने बालों को थ्रेड से भी बना सकते हैं बॉयज भी अपने बाल डार्क ब्राउन या ब्लैक कलर के थ्रेड से बना सकते हैं थ्रेड को आप इसके ऊपर चिपका सकते हैं लेकिन मैंने चाय की पत्ती जिससे आपकी मामा चाय बनाती हैं मैंने उसके साथ इस गर्ल के बाल बनाए हैं तो ये देखिए कि मैंने बहुत ही खूबसूरत सी बाल बनाए हैं ये मैंने इसके ऊपर टी लगाई है नीचे ग्लू लगा कर उसके ऊपर टी को पेस्ट कर दिया है इससे इसके बाल बहुत अच्छे लग रहे हैं एंड आई हैव कलर्ड विथ क्रियोन ऑन दिस गर्ल्स फेस तो आइए अब हम इसका ड्रेस तैयार करते हैं मैंने ड्रेस के लिए एक बहुत ही प्यारा सा कटिंग करके फ्रॉक रखा है अब मैं इसे यहाँ पेस्ट करूंगी पेस्टिंग के लिए मुझे यूएचयू की जरूरत पड़ेगी सो आई एम गोइंग टू पुट सम यूएचयू ऑन इट और इसके बाद इसका प्यारा सा ड्रेस उसे पहना दूंगी ये देखिए मैंने इतने प्यारे ड्रेस के साथ खुद को ड्रेसअप कर लिया नाउ हर पैंट्स मैं पैंट्स रेड कलर की बनाना चाहती हूँ सो आई एम टेकिंग रेड क्रेन ये देखिए बहुत ही प्यारा सा क्रियान हमने पैंट्स के लिए यूज़ किया आई होप आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा और मुझे पूरी तरह उम्मीद है कि आप अपनी पिक्चर्स भी बहुत प्यारी बनाएंगे आई एम यूजिंग पेंट फॉर द बूट्स लुक एट दिस पेंट को यूज़ करने के लिए बहुत ध्यान से उसका यूज़ करें ताकि आपके कपड़े हाथ और इर्द गिर्द की चीज़ें खराब ना हों ये देखिए मैंने उसके प्यारे से बूट्स बना दिए आप भी अपनी पिक्चर को बहुत ही प्यारा कलरफुल सा बनाइए और एक्साइटमेंट से आर्टवर्क कीजिए बहुत ध्यान रहे कि प्लेस से बाहर आपका पेंट ना निकले सो आई एम गोइंग टू पुट द लिड बैक एंड द ब्रश अवे ताकि वो बाकी चीजों को खराब ना कर लेट मी शो यू द पिक्चर दिस इज मी आई होप आप सबको मैं अच्छी लग रही होंगी आई अ प्रिंसेस सो अब आप हम लोग वापस आते हैं अपने स्क्रीन की तरफ जिस पर आपने एक लड़की और एक लड़का देखा आप अगर बॉय हैं तो यू शुड Do art with this boy. If you are a girl, you should do art with this girl. और यही काम हम घर जाके भी करने वाले हैं और वो क्या है कि घर जाके आज आप अपनी मामा के लिए ये सब कुछ करेंगे अपनी मामा की पिक्चर बनाइए उनका प्यारा सा ड्रेस बनाइए और जिस तरह हमने पहले लेसन में कोलाज़ वर्क करके अपने प्यारे प्यारे से कार्ड्स बनाए और डिफरेंट चीजें बनाई आप घर जाके ड्रेसेस भी इसी तरह मामा के लिए बना सकते हैं तो so, आज का रैप अप जो हमने पहले देखा था देखते हैं उसे हमने ओवरकम किया कि नहीं सो डियर स्टूडेंट्स हमारे एक्सपेक्टेड लर्निंग आउटकम्स थे कि आप एक्सपेक्ट हम आपसे एक्सपेक्ट कर रहे थे दैट यू विल रिकॉग्नाइज एंड यूज अ वैरायटी ऑफ मीडियम्स एंड कलर्स टू एक्सप्रेस देयर इमेजिनेशंस एंड ऑब्जर्वेशंस यू वर एक्सपेक्टेड टू होल्ड क्रेयॉन कलर पेंसिल्स पेंट ब्रशेस करेक्टली सो आई होप आज हमने ये जो दो तीन चीज़ें सीखी हैं आप इनको ज़रूर प्रैक्टिस करेंगे घर पे जाकर भी और आज आपने क्लास में भी बहुत खूबसूरत वर्क किया होगा डियर टीचर आपको जब भी टाइम मिले आप बच्चों को डिफरेंट तरीके से बताइए कि वो मटेरियल को किस तरह से यूज़ कर सकते हैं और डिफरेंट आर्टवर्क कैसे बना सकते हैं तो देखते हैं हमारे घर के लिए जो मैंने आपको काम कहा था वो बहुत ही एक्साइटिंग है जो कि आपकी मामा की पिक्चर है आपको आज अपनी मामा की बहुत ही प्यारी पिक्चर बनानी है घर जाके जैसे आपकी टीचर ने अपनी पिक्चर बनाई है आई होप आपको पिक्चर बहुत अच्छी लगी होगी आप घर जाके मामा की भी पिक्चर बनाएं थैंक यू सो मच आई होप यू हैव इंजॉय द लॉट एंड है लॉट थैंक यू सो मच फिर से मिलेंगे एक